क्या चांद पर जीवन पनप सकता है? क्या चांद पर ऑक्सीजन मिल सकता है? और क्या चांद पर पानी मौजूद हो सकता है? ये ऐसी कुछ पहेलियां हैं जिसको सुलझाने में वैज्ञानिक शुरू से लगे हुए हैं। अब इसी में से एक गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और इसे सुलझाया है हमारे इसरो ने। जी हां, इसरो के वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि चांद पर पानी का अथाह भंडार है। यह इतना बड़ा भंडार है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पहले सोचा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं लगाया था। तो यह पानी कहां मौजूद है जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही पुख्ता तरीके से दावा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर महाना मिस्ट्री में पहली बार आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो, और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इसरो ने जो खुलासा किया है उसने चांद की तस्वीर बदल दी है। अभी तक केवल वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि चंद्रमा पर पानी मिल जाए, लेकिन यह पहली बार ऐसा मौका है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने यह पुख्ता दावा पूरे सबूत के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा है और यह कहा है कि चंद्रमा पर जितना दुनिया यहां के वैज्ञानिक सोचते हैं कि पानी की मात्रा इतनी हो सकती है या कहीं पे मौजूद हो सकता है, उससे कहीं बहुत ज्यादा पानी चांद पर मौजूद है। और इसरो की इस कामयाबी के पीछे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसी चंद्रयान ने वो सबूत जुटाए हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि वाकई चांद पर इतना पानी है कि वहां पर मानव बस्ती बस सकती है और वहां पर एक स्पेस बेस बस सकता है जहां से आगे के अंतरिक्ष मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। ये तमाम दावे इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो इस दावे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे वो कौन से सबूत हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक अब पूरी दुनिया को बता रहे हैं? इसरो के वैज्ञानिकों ने जो सबूत पेश किए हैं उसके बारे में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग जर्नल में वो तमाम चीजें प्रकाशित हुई हैं, और उसके आधार पर ये पता चल रहा है, जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है, कि चांद पर पहले कुछ मीटर में बर्फ की बड़ी मात्रा मौजूद है। यानी जो चांद का उपसतह है, यानी थोड़ी सी गहराई में जाएं तो वहां पर, यानी कि जो चांद का ऊपर का बेस है उससे जस्ट नीचे जाने पर बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। इससे पहले यह माना जाता था कि जो भी पानी का बर्फ जमा है चांद पर, वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत मौजूदगी है उसकी। लेकिन ये नया अध्ययन जो है, ये नया शोध जो है, ये नया खुलासा जो है, वो ये बता रहा है कि जो चांद के सतह के जस्ट नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ मौजूद है, और इस मौजूद बर्फ की मात्रा लगभग, जो दोनों ध्रुव में बर्फ मौजूद है, उससे 5 से 8 गुना ज्यादा हो सकता है। जी हां, जो दोनों ध्रुव पे बर्फ की मात्रा है उससे 5 से 8 गुना ज्यादा, यानी पूरे चांद पर जो उपसतह है, उसका सतह के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर बड़ी मात्रा में बर्फ मौजूद है जो पिघलने के बाद पानी बन सकता है। इस खोज का भविष्य चांद के अभियानों और चांद पर मानव बस्ती बसाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि चांद की उपसतह पर बर्फ की खोज भविष्य के चांद पर पानी की खोज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
इस बर्फ का नमूना लेने या खुदाई करने के लिए चंद्रमा पर ड्रिलिंग भविष्य के मिशनों का समर्थन करने और चंद्रमा की सतह पर जीवन की संभावना को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा इस शोध से ये भी पता चला है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ की मात्रा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुनी है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव में जो पानी की मौजूदगी है, बर्फ की मौजूदगी है, वो दक्षिणी ध्रुव से लगभग दोगुनी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उपसतह के नीचे जो दबी हुई बर्फ है वो चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अहम साबित हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने दावा को और पुख्ता करने के लिए नासा के LRO यानी कि जो उसका ऑर्बिटर है उस पे मौजूद 7 उपकरणों से मिले डाटा का भी विश्लेषण किया और अपने दावे को सही माना। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के रडार डेटा का उपयोग करते हुए जो निष्कर्ष निकले हैं, उसका उपयोग करने के बाद जो आंकड़े आए हैं, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक कुछ ध्रुवीय क्रेटर में बर्फ भी जमा हो सकती है, यानी कि जो वहां पे कुछ क्रेटर्स मौजूद हैं ध्रुव पे, उस पर भी बर्फ की मौजूदगी हो सकती है। और इसरो का कहना है कि ये जो नया शोध है वो चंद्रमा के वाष्पशील पदार्थों के इन सीटू जांच के लिए उसकी भविष्य की योजनाओं का समर्थन करता है। चांद पर जो इन बर्फों की मौजूदगी मिली है वो इस बात की भी पुष्टि करता है, जैसा कि पहले वैज्ञानिक ये दावा कर रहे थे, कि चंद्रमा के ध्रुवों में जल बर्फ का प्राथमिक स्रोत, जो प्राइमरी सोर्स था, वो 3 अरब 80 करोड़ साल से लेकर 3 अरब 20 करोड़ साल पहले तक के इम्ब्रियन काल में ज्वालामुखी के दौरान निकला था और तीव्र ज्वालामुखी के प्रभाव से घाटियों और मारिया यानी जो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से बने हुए अंधेरे सपाट जो मैदान हैं उसका निर्माण इसी तरीके से हुआ होगा। और नतीजे से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि पानी का जो बर्फ मिला है वो ज्वालामुखी के प्रभाव के कारण ही वहाँ पर मौजूद होगा। अब ये जो चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी का बर्फ मिलने की बात हो रही है या उपसतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है, ये घटना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चंद्रमा पर भविष्य में जीवन की संभावना के साथ साथ इसरो की भविष्य की खोज और जो वहाँ पर एक मानव बस्ती बसाने की योजना है, वहाँ पे जो स्पेस बेस बसाने की योजना है, उसके हिसाब से ये खोज बहुत ही अहम माना जा रहा है। ये खोज ना सिर्फ इसरो के लिए अहम है बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जो आने वाले दिनों में मून मिशन चलाने वाले हैं, यानी कि चंद्रमा पर अपने मिशन चलाने वाले हैं, उसके लिए भी ये खोज बहुत ही अहम और मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इस खोज से जो भविष्य के जो चंद्र मिशन हैं, जो मून मिशंस हैं, उसके लिए लैंडिंग और नमूना स्थलों का चयन करने में जो अनिश्चितता होती थी उसको भी रोकने में ये सक्षम होगा। यानी कि अब वैज्ञानिक ये समझ जाएंगे कि पानी की कहाँ मौजूदगी है और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर उन्हें लैंड करना चाहिए। अब जो पहले अनिश्चितता थी वो अब इस खोज के बाद खत्म हो जाएगी। तो चांद पर जो पानी की मौजूदगी का दावा किया है, पानी के बर्फ की मौजूदगी का दावा जो इसरो ने किया है, उसके समर्थन में उसने नासा से मिले आंकड़ों का भी विश्लेषण करके ये साबित कर दिया है कि उसके दावे बिल्कुल पुख्ता है और इसमें कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये अपने आप में इसलिए बेहद अहम है क्योंकि चांद पर बर्फ की मौजूदगी के कयास तो पहले भी लगाए जा रहे थे और साथ ही ये बताया जा रहा था कि उसके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर ही पानी की मौजूदगी है, वहाँ के क्रेटर पर हो सकता है कि बर्फ मौजूद हो। लेकिन अब जो इसरो ने शोध किया है, जो दावा किया है, जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, उसके आधार पर अब ये तय हो गया है कि जो
पूरा चांद है, उसके सतह के नीचे भी बर्फ की मोटी परत मौजूद है जो अनुमान से 5 से 8 गुना ज्यादा मात्रा में पानी वो दे सकता है। यानी कि अभी तक जो वैज्ञानिक जानकर उत्साहित हो रहे थे कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में उन्हें पानी मिल जाएगा, अब बहुत ही ज्यादा उत्साहित है कि अब केवल उन्हें दोनों ध्रुवों पर ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी जगह पर अगर वो खुदाई करते हैं चंद्रमा पर, तो उसकी सतह के नीचे हो सकता है कि उन्हें बड़ी मात्रा में पानी का बर्फ मिल जाए और उससे उन्हें पानी मिल जाए जो भविष्य के मिशन के लिए बहुत अहम साबित हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।